अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुक 1 यानी D1 का न्यू एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, उसी का कवर आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। ये बेसिकली आप देख सकते हैं अपडेटेड 7th एडिशन है। इससे पहले जो मैंने सोल्यूशन पोस्ट किए हैं वो भी 7th एडिशन था, लेकिन ओल्ड 1 था, ये न्यू पब्लिश हुआ है। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स की अरेंजमेंट जो है डिफरेंट है, और काफ़ी हद तक कंटेंट सेम ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़रूर ऐसे हैं जो कि न्यू हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों जो ओल्ड एडिशन हैं और जो न्यू एडिशन हैं उनको सेपरेट कर पाऊँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊँ ताकि आपको तमाम सॉल्यूशंस आसानी से मिल सकें। लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो ओल्ड एडिशन है और जो न्यू एडिशन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है क्वेश्चंस का। तो जब आप चीज़ों को सर्च आउट करें तो उसी लिहाज से देखें। अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो जो न्यू एडिशन की प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करें, ओल्ड एडिशन है तो ओल्ड एडिशन के लिहाज से चीज़ों को देखें। कुछ कंटेंट सेम है, कुछ कंटेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये भी मैनेज हो जाएगा और आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो इस चैप्टर की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस अपडेटेड एडिशन के चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक जगह पर मिल जाए। और इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप मुझे इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक पहुँचा सकें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, इसको फिर नीचे समझेंगे और फिर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ एन एंगल BAC ऑफ 56 डिग्री। आपने एक एंगल ड्रॉ करके दिखाना है जिसका नाम BAC है, जिसको मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा वो उसकी वैल्यू क्या है। 56 डिग्री का वो एंगल होना चाहिए, और इस एंगल का आगे एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, यानी इसी सेम एंगल को जो आप ड्रॉ करेंगे इसको बाइसेक्ट करके भी दिखाना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ्स कर देना, दो इक्वल हाफ्स कर देना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होगा इस एंगल को आधा आधा कर दें, दो पोर्शन में डिवाइड कर देना। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर सामने क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ एन एंगल BAC ऑफ 56 डिग्री। आपने एक एंगल ड्रॉ करके दिखाना है जो कि 56 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, और उसका नाम है BAC। इसको इस तरह पढ़ते हैं कि एंगल एट ए बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी के दरमियान बनने वाला एंगल ए पर। तो ये दरमियान में लेटर लिखा होता है, इस पर ये एंगल बन रहा होता है। ये जब हम अब बनाएंगे मैं आपको वहाँ पर भी ये चीज़ बताऊँगा। तो एक एंगल बनाना है BAC जिसका 56 डिग्री, यहाँ पर उसकी वैल्यू बताई हुई है, और आगे कंस्ट्रक्ट दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। आपने जो ये एंगल बनाया होगा इसको बाइसेक्ट भी करके दिखाना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है उसके दो इक्वल हाफ्स करके दिखाना है, उसको दो पोर्शंस में डिवाइड करके दिखाना है, उसी को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। किसी भी चीज़ को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करें तो एक तरह का हम उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। और अगर साथ लिखा आ जाए एंगल बाइसेक्टर तो इसका मतलब है एंगल के दो पोर्शंस करने हैं, उसको बाइसेक्ट करके दिखाना है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। कौन से एंगल को बाइसेक्ट करके दिखाना है? यही 56 डिग्री जो स्टार्ट में यहाँ पर बताया गया। अब इस एंगल को बनाने के दो वे, एक वे तो यह है कि आप प्रोटेक्टर यूज करें, उसी से सारा काम करें और एंगल बाइसेक्टर भी बनाकर दिखा दें और यह वाला एंगल भी बनाकर दिखा दें। दूसरा जो तरीका है, दूसरा वाला आपके पास, वो यह है कि आप कंपास का यूज करें, कंपास रूलर की मदद से आप जो है एंगल भी बनाएं और उसको बाइसेक्ट भी करें। क्योंकि यहां क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने कंपास का यूज करना है या प्रोटेक्टर का, तो दोनों तरफ से चीजें बनाई जा सकती हैं। तो मैं यहां पर प्रोटेक्टर का यूज कर रहा हूं, प्रोटेक्टर की और रूलर की मदद से मैं आपको एंगल बाइसेक्टर और ये वाला एंगल ड्रॉ करना बता रहा हूं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको कंपास यूज करनी होगी, उसमें एंगल, उसकी मदद से एंगल बनाने पड़ेंगे, तो वो भी मैं जब आगे वाला क्वेश्चन कवर करूंगा तो उसमें आप वो भी सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपने कोई एंगल ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आप कह लें। उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है, अनलेस एंटिल गिवन हो आपको। तो मैं यहां पर जो एक लेंथ ले रहा हूं जनरल सी, वो मैं ले रहा हूँ जस्ट लेट्स से 7 सेंटीमीटर। तो ये मैंने, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी जो कि बहुत छोटी भी ना हो, बहुत बड़ी भी ना लगे। तो ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर के अराउंड, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने 56 डिग्री बनाना है तो आपने क्या करना है, इस तरह प्रोटेक्टर है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं प्रोटेक्टर, और इसमें आप देख भी सकते हैं दो मार्किंग हुई हुई है, यहाँ पे कुछ नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं, कुछ नीचे भी लिखे हुए हैं। और आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, मैं इसको ये बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, क्योंकि आप जब इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर लाइन पर रखेंगे तो जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल इस वाले पॉइंट के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से देखें, मैं इसको बिल्कुल, देखें
इस तरीके से रख रहा हूँ। और एक बात आपने और नोटिस करनी है, मैंने जब ये प्रोटेक्टर रखा है तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल उस जगह पे है जहाँ पे एंड पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये एंड पॉइंट है, और ये वाला प्रोटेक्टर बिल्कुल बिल्कुल इसका जो ये मिड पॉइंट है ये उस जगह पे है। और ये जो ऊपर लाइन है इस प्रोटेक्टर के ऊपर, ये जो यहाँ पे जीरो तक जा रही है, ये बिल्कुल इस वाली जो मैंने पेंसिल से लेड पेंसिल से लाइन लगाई हुई है इसके ऊपर है। ये थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे होगी तो एंगल गलत आएंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब मैंने इस तरह रख लिया, अब मैंने इसको यहाँ से रीड करना है, क्योंकि यूजुअली एंगल भी हम एंटी क्लॉकवाइज रीड करते हैं, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है उसको उल्टे को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अब हमने कितना एंगल देखना है, हमने देखना है 56 डिग्री। तो जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जो नीचे एंगल होगा, नीचे जो वैल्यूज हैं उनको एज अ एंगल हम पढ़ेंगे। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि 56 आपने ड्रॉ करना है, तो जाहिर बात है 56 जो होगा वो 50 और 60 के दरमियान होगा। अब किस तरह होगा, देखिए ये जो लाइंस नीचे लिखी हुई है ना, इसका मतलब होता है यहाँ तक 5 यूनिट्स पूरे होते हैं। जैसे 50 है ना, तो ये 50 और ये 5, यानी 55, यानी इससे बिल्कुल अगला स्मॉल यूनिट ही, जो ऊपर स्मॉल लाइन्स लगी हुई हैं इसको हम 1 यूनिट काउंट करते हैं। यानी जैसे 55 है तो ये 56, ठीक है, फिर 57, फिर 58, 59, और यहाँ पे देखिए पूरा 60 हो गया। तो 56 का मतलब है यहाँ तक तो 55 है, ये 55 है, तो इससे बस अगली एक लाइन स्मॉल लाइन, तो इस पर आपने डॉट लगा देना है बिल्कुल लाइट सा, जो आपको बस पता चल जाए कि यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत थिक डॉट नहीं करना। तो मैंने देखिए ये डॉट लगा दिया, तो ये आपका 56 एंगल हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्केल यानी रूलर लेना है, और रूलर की मदद से जो पॉइंट आपने बनाया होगा एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो उसमें से पास हो और यहाँ एंड एंड तक आए, ठीक है। तो मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, देखिए इस पॉइंट से गुजर गई और यहाँ पे आके इसको जोड़ देना है। तो ये जो मेरे पास एंगल बना है इसको हम बोलेंगे, ये हमने बनाया है 56 डिग्री का एंगल, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरह इसको लिख भी देंगे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर मार्क कर देंगे, यानी ये है हमारे पास 56 डिग्री, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ तक तो हो गया। अब इसका नाम भी जाहिर बात है हमने रखना है, तो नाम किस तरह रखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही, हम इसका नाम किस तरीके से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था BAC, और मैंने आपको बताया था जो दरमियान में लिखा होता है लेटर उस पे ये एंगल बन रहा होता है, तो यहाँ पे ये एंगल हमारा पूरा का पूरा बन रहा है, तो आप इसका नाम रखेंगे A, क्योंकि इधर बीच में क्या था A। अब BAC लिखना है, B और C रह गया, इसका मतलब है यहाँ पर आप लिख लें BA, और जहाँ पर ये स्टॉप हुआ है ये कह लें C, तो ये हो गया BAC, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लेबल करेंगे, ये भी आपने एक तरह के एंटी क्लॉकवाइज ही लिखे हैं BAC, ठीक है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस एंगल के दो इक्वल पोर्शंस कर दें। अब वो भी हम यहाँ पे प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात ज़रूरी है आपको देखना है कि 56 का हाफ कितना होता है, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ करना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो 56 का अगर आप हाफ करना चाहते हैं तो आपको 56 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखिए 56 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है क्या आंसर आएगा, 28 डिग्री, यानी इस एंगल का हाफ होगा 28। तो फिर दोबारा प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पर, ये देखें ये मैंने बिल्कुल उसी तरह रखना प्रोटेक्टर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला जो पॉइंट है सेंटर प्रोटेक्टर का बिल्कुल जहाँ पे से लाइन शुरू हुई थी उस पर रखा, और जो प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन है इसको इस ये बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए, जो आपने लेड पेंसिल से ड्रॉ करी हुई इसको बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है पहले काउंट करने से पहले, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब आपने देखना 28 डिग्री, क्योंकि हाफ करना है ना, तो यहाँ से आप काउंट करें, फिर दोबारा राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, नीचे वाली रीडिंग करेंगे 0, 10, 20, 30, ये 25 है, तो 28 है तो 26 और 27, 28, ये बनता है 28। ये मैंने एक जो है यहाँ पे देखें निशानी लगा दी, डॉट लगा दिया। अब फिर दोबारा इस डॉट से आपने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है ये ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसको ज्वाइन करने लगा हूँ, तो देखें ये मैंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो देखें इस तरीके से ये हमने इसका बाइसेक्टर बना लिया, और वो पॉइंट बहुत आपने जो है कह लें थिन रखने हैं, पॉइंट बहुत ज़्यादा थिक ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम बने, तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एंगल बाइसेक्टर बन गया। आप इसको रे को नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी पॉइंट रख सकते हैं कोई EFG, वो आपके ऊपर है। तो ये हमने एंगल बना लिया BAC, इसको पढ़ते हैं एंगल BAC कितना, 56 डिग्री का, और उसके बाइसेक्टर भी बना लिए, जितना ये वाला हाफ है ये आप अलग से लिख भी सकते हैं, और जितना ये वाला हाफ है ये दोनों के दोनों कितने हैं, ये भी 28 है और ये भी 28 है, इसको हम बोलते हैं इस लाइन को इसका एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।